नमस्कार सभी किसान भाइयों को, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गोल्डन किसान में। आज आए हम गांव कलीना, जिला मेरठ, जो कि शिवाड़ खास विधानसभा में पड़ता है। आज हम आपकी मुलाकात एक शौकीन किसान सतवीर सिंह से कराएंगे। आओ इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका पता लगा था, अच्छे शौकीन किसान है, तो आपने ये अटरेंच से गन्ना कब लगाया था? 5 मई 2022 में। 5 मई 2022 में आपने गन्ना लगाया था, तो आपने इसकी बुआई कैसे की थी? डबल लाइन की थी या ये सीढ़ी नुमा की थी? सीढ़ी नुमा। तो आपने इसकी बुआई सीढ़ी नुमा की है। कितनी आंख का गन्ना बोया था? 2 आंख का आपने गन्ना बोया था। तो ये गेहूं का मानो 5 मई का ये है, गेहूं थे इसके, गेहूं का। तो आपने इसमें ये 38 बीज है, कौन सा बीज है? 38 0238। और आपकी फैक्ट्री कौन सी पड़ती है? ये शुगर मिल किनोनी। तो आपने इसमें क्या लागत लगा के गन्ना बुआई की थी? लागत तो आम 2.5 का बीघा तो 2.5। अच्छा जी। और इसमें जो है कोरोजन हमने उसमें मिला ली थी, यूरिया पे कोट कर लिया था। हाँ, कोरोजन का यूरिया पे कोट आपने कर लिया था। मेरे पास आदमी नहीं थे, तो इस वजह से फिर जो है वो कोट करने के बाद में फिर मैंने इसमें उसी हिसाब से पानी दे दिया। अगर अच्छी लगते, अगर लागत की बात की जाए तो सद्दी विधि में ज्यादा लागत है या इसमें ट्रेंच में? बराबर लागत, लागत बराबर। लिकार्ड कौन सी का अच्छा? लिकार्ड इसका एक लिकार्ड में हमें तो यह अच्छी लगे, क्योंकि इस वजह से लगे, अगर स्प्रे की टंकी लेके किसी भी टाइम घूम जाओ। अच्छा, यानी कि जब टॉप बॉलर आता है पहली बंदाई के आसपास, तो उस टाइम किसान अपनी फसल की देखभाल कर सकता है, खूब देखभाल कर सकता है। तो अगर लंबाई की बात की जाए तो किसी लंबाई कितनी होगी खेत की? 10-11 फुट के आसपास है। गेहूं का एक है 11 फीट की लंबाई, यानी कि अभी 12 महीने का गन्ना हुआ नहीं और इसकी लंबाई इतनी है। तो लिकार्ड तो इसमें ज्यादा होगा या कम होगा? लिकार्ड तो हम जैसा फागण का बोवे सादा उसके जितना मान रहे हैं, फिर हमें लाभ क्या है? यानी कि जो हमारे जो मार्च की जो बुआई होती है सादी विधि की, और गेहूं की अट्रेंच विधि की लगभग इतनी ही बराबर की है। हम उससे कंपटीशन करने के लिए तैयार है। अच्छा, उतना क्षेत्र वो काट लो, उतना हमारा काट लो। जो 28 इंची की जो बुआई है हमारी शादी विधि की फागण की, उससे आप अट्रेंच को गन्ने से मतलब गेहूं की से भिड़ाने को तैयार हो? पक्का एकदम। तो अंदाजा लिकार्ड तो अच्छा होगा, बढ़िया। तो इसमें जैसे आप गन्ने की बुआई भी कर रहे हो, तो एक डबल लाइन की भी लगा रखी है कहीं? डबल लाइन नहीं, हाँ डबल वो भी है, सिंगल लाइन वाली भी है, डबल लाइन वाली भी है। तो आप कई तरह से गन्ना बोते हैं? अच्छा, तो आपको कौन सी फायदेमंद लगी? भाई फायदेमंद तो सारी है, जिसमें जैसी मेहनत हो जा। अगर 2 आंख की बोओगे तो उसमें थोड़ा मिट्टी जो है हाथ से करानी पड़ेगी। अच्छा, लास्ट में जैसा मट्टी चढ़ावे तो लेवर जो है उसमें मिट्टी हाथ से करनी पड़ेगी। तो लेवर की जो है ये डबल लाइन में ज्यादा लेवर चाहिए या सीढ़ी नुमा में ज्यादा चाहिए? डबल लाइन में चाहिए। डबल लाइन में ज्यादा लेवर चाहिए? हाँ। तो इसकी जो गूल है ये कितने इंची की बुआई है? ये 4 फुट पे है, ये 48 इंची की बुआई है। तो इसकी जो इतनी अच्छी गूल बंधी हुई है, ट्रैक्टर से या फावड़ा? ट्रैक्टर से, कोई फावड़ा नहीं है, देख लो कहीं भी कोई फावड़ा नहीं है, सब ट्रैक्टर से चढ़ाई हुई है, सब ट्रैक्टर से। तो इसका जो अट्रेंच का आपने अलग ही बोला रखा होगा? नहीं, हम तो जोन से तो बोते हैं, उसे चढ़ाते हैं। तो ट्रैक्टर के हिसाब से आप बुआई करते हो? 2 बार खुद निखारते हैं, 1 बार के में 11 खुद नहीं पड़ता। अच्छा, तो नुड़ाई या जुताई के बारे में? नुड़ाई करवाते हैं या फावड़ा भी निकलवा दे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी गहराई कितनी गहराई में बोया होगा? गहराई होगी इसकी लगभग 9-10 इंच। 9-10 इंच गहराई होगी। और गूल की हाइट कितनी होगी? गूल की हाइट है लगभग 8 इंच। 8, तो यानी कि 16, लगभग ये 16-17 इंच की मैं गन्ना दब गया। तो गन्ना इस वजह से तो गिरेगा ही नहीं, या ये गेहूं का गन्ना है, हमने खुला रख रखा, देख लो थारे साहब ने। तो अट्रेंच विधि की खेती कब से कर रहे हो? 8 साल हो चुके। तो कितने बीघे में अट्रेंच लगाते हो? लगभग 35-40 बीघे में। 35-40 बीघे में अट्रेंच। तो शादी भी लगाते हो थोड़ी बहुत? ना, शादी नहीं लगाते, सब अट्रेंच ही काम चल रहा है। तो कुछ सुनने में ये आया जब फंगस साइड है, तो फंगस का कुछ असर है अट्रेंच में या शादी में ज्यादा है? शादी में ज्यादा है, शादी में रोग ज्यादा है। तो इसमें तो छुलाई भी कमी करनी पड़ती होगी, इसका तो पत्ती सारी उतरी हुई है। पत्ती बस लेवर इसी वजह से खुश है। पत्ती देखो किसान भाई, हम आपको दिखा दूं, इसमें पत्ती नहीं है बिल्कुल भी, हवा ने सब उड़ा रखी है,
बहुत कम छुराई का वो है इसमें। तो अब आगे का क्या विचार, जो आपकी बुआई है वो ट्रेंसी लगा रखी? ट्रेंसी लगा रखी अभी, तो सब ट्रेंसी करने का है? सब ट्रेंसी। तो खुद ही करते हो मजदूरों भी कराते हो? मजदूरों पे करवाऊं भाई, अकेला आदमी क्या करेगा, अकेले पे तो देखभाल ही हो पावे। अच्छा, लड़के वगैरह? लड़के बाहर अपनी नौकरी पे हैं। अच्छा, क्या लड़के हैं? दो लड़के हैं, दोनों यूपी पुलिस में। अच्छा, दोनों यूपी पुलिस में कार्यरत हैं। तो तुम्हारी तो मौज जारी है। आपने जैसे 8 साल से ट्रेंसी विधि से आप गन्ना बो रहे हो, तो लगभग क्या रिकॉर्ड आ जाता होगा? रिकॉर्ड 90-100। तो कुछ मार्च का भी गन्ना बोते हो और ट्रेंच का? मार्च का बो दिया। तो उसमें उसका क्या रिकॉर्ड है? उसका रिकॉर्ड 100 के आसपास। उसका भी निकाल 100 के आसपास, इसका 95 के आसपास। हाँ, इसका 90-95। धन्यवाद सर जी, आपने इतना कीमती समय निकाल के हमें समय दिया।